इस गाड़ी में जो हमने एड ऑन किया वो 100 सीट कवर रहने वाला है। इसकी क्वालिटी देख लो, फिनिशिंग देख लो, प्रॉपर थाई सपोर्ट भैया करके दिया है, व्हाइट थ्रेडिंग, रेड की डिजाइन भैया चाहिए था वो सेम बना के दिया, साथ में एक डीकर भैया आमलेस लगा के दिया है। ये फिनिशिंग देने वाली आमलेस की जो जेन्युइन पार्ट रहता है। ये जो कॉस्टिंग पड़ती है 32 रुपए पड़ती है विद इंस्टॉलेशन। प्रॉपरली गाड़ी के अंदर 8 सीट की डैम्पिंग हुई है, साथ में गाड़ी में प्रॉपरली 2 हेडरेस्ट इंस्टॉल हुए देख लो आप, विद इंस्टॉलेशन 1500 रुपए रहने वाली है भैया। प्रॉपर एडजस्टिंग हेडरेस्ट आते हैं, यहाँ पे पूरा का कंट्रोल आपको मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। इसकी कॉस्टिंग जो होती है 4000 रुपए होती है विद इंस्टॉलेशन आफ्टर डिस्काउंट। अगर आप पूरी गाड़ी लेके आते हैं उस पर बेस टू टॉप का काम करवाएंगे तो उसको आपको 20% ऑफ मिलेगा ऑन जेन्युइन पार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये जो गाड़ी आप लोगों के सामने रहने वाली वो रहेगी भैया ब्रेजा 2022 मॉडल रहने वाला, नए वाली ब्रेजा है। आपने पहले भी हमारे पास देखा होगा ये वाली गाड़ी, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। भैया हमारे पास आए UK07 देहरादून से आए, बेसिकली काम ज़्यादा नहीं है, काम बेसिक ही रहेगा, लेकिन जो भी है थोड़ा अच्छे काम है, जेन्युइन पार्ट्स का काम है। बाकी जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा जो जेन्युइन एसेसरीज हमारे पास अवेलेबल है उस पर कितना डिस्काउंट अवेलेबल चल रहा है। आप देखो फ्रंट से भी यही रहने वाला है इसका फ्रंट लुक। अब इसमें क्या हम ऐड ऑन कर सकते थे, सबसे पहले तो इसका फ्रंट यू ऐड कर सकते थे जो कि जेन्युइन पार्ट आता है, साथ में इसका नीचे स्किड प्लेट ऐड कर सकते थे जो कि जेन्युइन पार्ट आता है, जेन्युइन मारुति का आता है। साथ में एक फॉग लैंप्स ऐड कर सकते थे, फॉग लाइट गार्निश कर सकते थे, लेकिन मैंने ये सब नहीं लगवाया। मैं आपको ये बता दूं क्या लगवा सकते थे आप, तो फ्रंट से एक यू, एक रियर स्किड गार्निश, एक इसका फॉग लैम्प गार्निश, और साइड में हेडलाइट में एलईडी, ये सब हम फ्रंट से ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या काम करा है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो रहेगा भैया गाड़ी का सीट कवर। इस गाड़ी में जो हमने ऐड ऑन किया वो 100 सीट कवर रहने वाला है। इसकी क्वालिटी देख लो, फिनिशिंग देख लो, प्रॉपर थाई सपोर्ट भैया करके दिया है, ये फिनिशिंग देख लो। बाकी जैसे भैया ने कस्टमाइज करवाया सेम कस्टमाइज डिजाइन बना के दिया है, ब्लैक व्हाइट थ्रेडिंग रेड की डिजाइन भैया को चाहिए था वो सेम बना के दिया। अगेन जो लेदर रहता है वो हमें इंपोर्टेड लेदर होता है जिसकी लाइफ टाइम गारंटी देते हैं हम लोग। साथ में सीट कवर की जो कॉस्टिंग इस गाड़ी में आई है 6500 रुपीज की आई है, साथ में एक डीकर भैया का आमलेस लगा के दिया है। ये फिनिशिंग देने वाली आमलेस की जो कि जेन्युइन पार्ट रहता है, यहाँ से ये डी कट आता है। इसमें USB लगाने का भी ऑप्शन है, किसी को चाहिए तो मिल जाएगा, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा भैया। ये जो कॉस्टिंग पड़ती है 32 रुपए पड़ती है विद इंस्टॉलेशन, 3200 रुपीज विद इंस्टॉलेशन आमलेस का पड़ता है जेन्युइन वाले का। साथ में मैंने भैया ऑडियो का काम तो पहले कहीं से करवाया था, मैं JBL के स्पीकर भैया लगवाया। हमने क्या करा, मैंने इसके अंदर 8 सीट की डैम्पिंग कर दी है। आप ये डैम्पिंग आउटर लेयर ये रहने वाला है, इंटीरियर लेयर भी किया है, ये डैम्पिंग का इम्पैक्ट रहेगा। नॉन डैम्पिंग एरिया हमारा ये रहने वाला है। प्रॉपरली गाड़ी के अंदर 8 सीट की डैम्पिंग हुई है, ये डैम्पिंग एरिया रहने वाला है। साथ में हमारे पास इसका ये वाला लीवर भी अवेलेबल है, टॉप मॉडल वाला। ये बेस है, मैं आपको दिखाऊंगा एट द एंड आते आते कि भैया टॉप में क्या आता है। साथ में गाड़ी में प्रॉपरली 2 हेडरेस्ट इंस्टॉल हुए देख लो आप, जो कि नए पीस रहने वाले हैं। इसकी कॉस्टिंग 1500 रुपये आती है, विद इंस्टॉलेशन 1500 रुपये रहने वाली है भैया। प्रॉपर एडजस्टिंग हेडरेस्ट आते हैं। इस गाड़ी में हमने यही काम किया। जो गाड़ी के हमारे ऑनर थे भैया, भैया क्या नाम है अपना? मेरा नाम शैलेंद्र है। भैया अपना? पवन प्रकाश। कहाँ से आए थे भैया? देहरादून से आए हैं। देहरादून से भाई, भैया का फीडबैक ले लेते हैं। भैया कितना खर्चा आ गया अंदाजा, कितनी क्या कॉस्ट, क्या फीडबैक है, मतलब क्या है आपका? तो हमारा उतना ज़्यादा नहीं था, कम था, लेकिन और हमने पहले आपसे बात भी करी थी जी भैया, तो काफ़ी टाइम से बात होती थी। व्हाट्सएप में मैंने कोटेशन भी ले लिया था, और तो खर्चा अराउंड ये 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास आया है, जो जो काम हुआ है उसके अकॉर्डिंग जी। और जो जो काम जैसा जैसा चाहा था वही काम हुआ है, और मेनली जो आपके वर्कर हैं जो उन्होंने काम किया वो मुझे बहुत पसंद आए, और आपका एक नेचर फ्रेंडली और मतलब बहुत ही अच्छा जैसे चाह रहे थे जी भैया, मतलब फुली सेटिस्फाइड है। मतलब रेटिंग आउट ऑफ 10 भी है जो आपको ठीक, 10 of 9, 9.5 ये रहता है कि थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है इतना। तिवारी जी, मैं तो आपसे एक लोगों से कहूंगा, जो लोगों के माइंड सेट हो चुका है ना करोल बाग के लिए, कि यहाँ पर आकर अगर आप किसी एसेसरीज को लेंगे उसके बाद आपको और चीज़ों के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत है। मैं सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर से बोलूँगा कि आप अपना ये माइंडसेट बिल्कुल हटा दीजिए। करोल बाग अब ये वो दिल्ली और करोल बाग नहीं है, ये नई जनरेशन का है। और तिवारी जैसे हमारे भाई जो हैं, जो एक काम कर रहे हैं, इनकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जिस क्वालिटी का ये मटेरियल आपको बोलेंगे आपको जेन्युइन वही चीज़ मिलेगी। और तिवारी जी के लिए बेस्ट है, और भाई के लिए बहुत बढ़िया, और कस्टमर खुश है तिवारी जी के लिए। सीट कवर भी ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा, जो चाह रहा था मैं, जो लाया था डिजाइन सिलेक्ट करके वही हुआ। मैंने थोड़ा जो बोला कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा, बाकी तो थोड़ा जब यूज़ करूंगा उसके बाद ज़्यादा बिल्कुल। बाकी आपने भैया फीडबैक देख लिया भैया का, अब मैं आपको पार्ट्स दिखाता हूँ ब्रेजा के। भैया हम आते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। देखो सामान तो सारा मिल जाएगा आपको ब्रेजा का, जितना भी मारुति जेन्युइन सारा पार्ट्स मिल जाएगा ए से जेड तक, लेकिन थोड़ा लिमिटेड टाइम होने के चक्कर में कोई गाड़ी अभी खड़ी है और थोड़ा टाइम लिमिट है, इसलिए मैं आपको कुछ लिमिटेड पार्ट दिखाऊंगा। सबसे पहले जो मोस्ट सेलिंग पार्ट आता रहता है इसका स्टीयरिंग, ये आप देख लो,
पूरा स्टीयरिंग चेंज हो जाता है, आपको पता ही है, जैसे कि अपना ये ZXI प्लस वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे सिल्वर पार्ट आ जाता है, प्लस ये स्टीयरिंग कवर इसमें ऑलरेडी स्टिच होता है जो कि फुल ब्लैक होता है। यहाँ पे पूरा का कंट्रोल आपको मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन क्रूज कंट्रोल वर्किंग नहीं होता। साथ में जो इसका हब होगा वो भी जेन्युइन ही अपने पास मिलेगा। इसकी कॉस्टिंग जो होती है 4000 रुपये होती है विद इंस्टॉलेशन आफ्टर डिस्काउंट। मैं पूरा डिस्काउंट उसको सब करके आपको 4000 में आपको गाड़ी में लगा के दे दूंगा। ये पूरा स्टीयरिंग कंट्रोल, पूरा स्टीयरिंग प्लस हब के साथ, ये देख लो बिल्कुल जेन्युइन पीस रहेगा, नया पीस रहने वाला है ये सामने वाला जेन्युइन मारुति का स्टीयरिंग। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ भैया जो इसके अंदर बहुत रिक्वायरमेंट आती है लोगों की, छोटी सी चीज है फॉग लैम्प गार्निश, ये भी मारुति जेन्युइन पार्ट रहने वाला है। 650 इसकी MRP रहेगी। और आज का जो हमारा ये वीडियो रहेगा वो 20% ऑफर के साथ है। जो भी जेन्युइन पार्ट्स आप देखेंगे इसमें 20% लेस आपको मिलेगा बेस टू टॉप पे। अगर आप पूरी गाड़ी लेके आते हैं उसमें बेस टू टॉप का काम करवाएंगे तो उसमें आपको 20% ऑफ मिलेगा उन जेन्युइन पार्ट्स। मतलब अगर 650 MRP है तो इसमें 20% आपको ऑफ मिलेगा हमारी तरफ से जेन्युइन पार्ट्स के ऊपर। ये फॉग लैम्प गार्निश रहने वाला भी है, फॉग लैम्प के ऊपर अपना चिपक जाता है, बहुत अच्छा लुक देता है, मारुति जेन्युइन पार्ट है इसलिए जंग तो लगने का मतलब बनता नहीं है। इसके बाद एक अपना ये इंटीरियर किट आता है, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, कई गाड़ी के अंदर भी लगा के दिखा चुका हूँ। ये पूरा सिल्वर पार्ट आता है, देख लो सिल्वर पार्ट, साथ में हमारा ये नागिन वाला पार्ट आता है सिल्वर, ये सिल्वर पार्ट, साथ में हमारा ZX का ये वाला पार्ट आता है डैशबोर्ड का कॉफी वाला, ये सिल्वर आ जाता है इसके अंदर। इसकी जो कॉस्टिंग आती है विद इंस्टॉलेशन 2800 रुपीज आती है, पूरे 7 पीसेस की। 4 दरवाजे में हमारा सिल्वर पीस आता है, 2 डैशबोर्ड में हमारा कॉफी वाला पीस आ जाता है, साथ में एक नागिन का पीस आता है, 7 पीस का सेट होता है, जिसकी पूरी कॉस्टिंग आफ्टर डिस्काउंट हर एक चीज करके 2800 रुपीज पड़ती है, 2800 रुपए। लेकिन ये सारी की सारी प्राइसिंग जब ही है जब आप पूरा काम हमसे करवाते हैं, खाली ये नहीं कोई भैया आए उनको मेरे को बोले ये लगा दो तो इस पर कोई ऑफ नहीं मिलेगा भैया, उसके लिए सॉरी है। साथ में जो फ्रंट बंपर पे हमारा लगता है, फ्रंट यू एंड रियर पे यू लगता है, फ्रंट एक्सटेंडर लगता है, ये सब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा फ्रंट बंपर एक्सटेंडर रहने वाला है, ये सिल्वर वाला देख लो आप, सेम इसी हिसाब से पीछे का भी आता है जो ऐसे आता है, और एक सिल्वर स्किड प्लेट भी आता है, वो चारों चीज़ मिल जाएगा आपको। इनकी जो MRP होती है लगभग 1200 रुपये प्राइसिंग होती है MRP सिंगल पीस की, तो 12 ऐसे कर सकते हो आप, तो उस पर 20% ऑफ मिलेगा आप लोगों को ये जेन्युइन मारुति के पार्ट्स पे। ये सारे आपने पार्ट्स देख लिए भैया, बाकी जो भी आपको चाहिए XYZ सारा अपने पास अवेलेबल है, A से Z। आपने आर्मरेस्ट तो गाड़ी के अंदर ही देख लिया था, हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर ही देख लिया था, बाकी इंटीरियर किट मैंने आपको दिखा दिया। अलॉय व्हील जो अपने पास है भी 28,000 भी कॉस्टिंग पड़ती है, 28,000 की जेन्युइन मारुति का विद इंस्टॉलेशन है, ब्रेजा का जो डायमंड कट आता है आपको लगा के दे देंगे हम 28,000 रुपये का। साथ में कुछ भी आपको आफ्टर मार्केट पार्ट चाहिए सारा अवेलेबल है। आप देख लो स्पीकर से लेके एम्बियंस से लेके K4 K3 LEDs सारी की सारी जितनी आपको जो चाहिए, बाकी जो भी चाहिए सब सामान अपने पास अवेलेबल, वन स्टॉप शॉप आपको हर चीज मिल जाएगा। बाकी कस्टमर फीडबैक तो आपने देख ही लिया था, A से Z जो आपको चाहिए सब अवेलेबल है भैया, सब पे 20% ऑफ है हमारी तरफ से। थोड़ा वर्कलोड है इसलिए मैं पूरा कंप्लीटली ढंग से नहीं बना पाया वीडियो, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आप हमारे पास आना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे फ्लैश हो रहा होगा, कॉन्टैक्ट करिए, आप आइए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉच के सब्सक्राइब।